हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हूँ। तो आज हम वापस एक जबरदस्त सी वीडियो लाए हैं, मेहंदी स्पीकर की वीडियो लाए हैं। आप देख सकते हैं इस शीट में कितने जबरदस्त स्पीकर हैं, सर्कल कह लें या मोटिव कह लें, बहुत ही जबरदस्त डिजाइन से। एक शीट में आपको 12 डिजाइन मिलेंगे। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि मेहंदी स्टिकर प्रॉपर कैसे हाथ पे अप्लाई किए जाते हैं, क्योंकि समटाइम बहुत से लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेहंदी स्टिकर को कैसे हम हाथ में अप्लाई करें। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, आप बहुत ही इजी वे में अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा प्रॉपर फाइनल रिजल्ट के लिए। ये देखिए इस शीट में 12 स्टिकर्स हैं, मैं इसमें से कोई एक स्टिकर सिलेक्ट करूँगी। इसी टाइप की वीडियो मैंने रमज़ान में भी बनाई थी मेहंदी स्टिकर के हवाले से, और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया था। वो स्टिकर बहुत ही हाथ से ज़बरदस्त लग रहा था। अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी है चाहिए तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। मैंने ये वाला डिज़ाइन सेलेक्ट किया है। अब हम इसे बहुत ही प्यार से आहिस्ता आहिस्ता से पेपर से निकालेंगे। हम जब भी स्पीकर निकालें तो हमें बहुत फोर्सफुली, हार्शली, हार्ड हार्ड से नहीं निकालना, बहुत ही आराम तहमुल से निकालना है। तो आपका स्पीकर पूरा प्रॉपर निकलेगा, कोई भी बीच में से टूटेगा नहीं। आप ये देख सकते हैं जो मैंने स्टिकर सेलेक्ट किया है, बहुत ही यूनिक एंड ट्रिक डिज़ाइन है, बारीक बारीक लाइन है। पर अल्लाह का शुक्र है मेरी एक लाइन भी ब्रेक नहीं हुई। बस आपको हैंडलिंग आनी चाहिए। अगर आपकी हैंडलिंग अच्छी है तो मेहंदी स्टिकर बहुत ही बेस्ट है आपके लिए। कोई झंझट नहीं मेहंदी वालों के लिए, आप उसे पहले बुकिंग कराएं 6-6 महीने। इनकेस अगर कोई मेहंदी आर्टिस्ट अवेलेबल नहीं है तो आप मेहंदी स्टिकर कोई भी अच्छी डिज़ाइन बाय करें और अपने हाथ पे खुद ही लगाइए। देखिए मैंने अपने हाथ पे इसे स्टिक कर लिया है। अब हम इसमें मेहंदी फिल करेंगे। मेहंदी फिल करने के बाद मैं कॉटन बट की मदद से मेहंदी को स्प्रेड कर दूंगी। अगर आपके पास कॉटन बट अवेलेबल नहीं है तो आप इसे ब्रश से भी कर सकते हैं स्प्रेड, या तो आई ब्रश आता है जो स्पंज वाला आई ब्रो मेकअप करने का आता है, आप उसकी मदद से भी मेहंदी को स्प्रेड कर सकते हैं। जैसे ही हमारी मेहंदी इक्वली स्प्रेड हो जाएगी तो हम इसे ड्राई करने के लिए छोड़ देंगे। अगर आपको बहुत ही जल्दी है तो आप पूरी मेहंदी की लेयर पूरी पतली रखिएगा। ये डिपेंड करता है आप पे, आपको कितना अच्छा रंग चाहिए। कि मेरी मेहंदी थोड़ी मोटी मैंने स्प्रेड की है, थोड़ी मोटी ये है, तो मुझे तकरीबन 1.5 घंटा लगा था सूखने के लिए। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप बहुत ही पतली लेयर रखिएगा। ये आप देख सकते हैं कि मैंने मेहंदी को इक्वली स्प्रेड कर लिया है। अब हम इसे ड्राई करने के लिए रख देंगे। जैसे ही ये ड्राई होगा फिर हम इसे रिमूव करेंगे और हमारे हाथ पे ज़बरदस्त मेहंदी स्टिकर अप्लाई हो चुका होगा। आजकल ये मेहंदी स्टिकर बहुत ट्रेंडिंग में है, तो आप लोग इसे ज़रूर बाय करिएगा और अपने हाथों पे अप्लाई करिएगा। ये देख सकते हैं अच्छी तरह से सूख गई है, मेरे हाथ पे कोई मेहंदी नहीं लग रही। इसका मतलब है कि मेहंदी अच्छी तरह सूख गई है। अब हम इसे रिमूव करते हैं। आप मेहंदी स्टिकर को सेकेंड टाइम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस कि आपका मेहंदी का स्टिकर कुछ ब्रेक नहीं हुआ, कुछ डिज़ाइन ब्रेक नहीं हुई। आप मेहंदी स्टिकर को निकालें और उसमें से आप मेहंदी रिमूव करें और पेपर में स्टिक कर दें तो आपके सेकंड टाइम के लिए भी यूज़ हो जाएगा। तो अब हम मेहंदी स्टिकर को रिमूव करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली इसे रिमूव करें। ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से ये रिमूव हो रहा है और आप देख सकते हैं कलर भी कितना ज़बरदस्त आया है। अगर आपको मेहंदी कोन्स चाहिए तो हमारे पास कोन भी अवेलेबल है, बहुत रिजल्ट है, बारीक नीप है, सॉफ्ट रैपर है। फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से हमें रब्ता कर सकते हैं। ये देखिए हाथ पे कितनी खूबसूरत लग रही है। ये जो मेहंदी थोड़ी बहुत हमारे हाथ पे लगी हुई है, आप हम इससे रिमूव कर लेंगे किसी कपड़े से या पाइप से, मेहंदी जो भी थोड़ी बहुत लगी हुई है हम इसे रिमूव कर लेंगे। और ये देखिए ज़बरदस्त सेंटर है, कितना खूबसूरत लग रहा है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।